भाई एवरीवन, आज मैं बनाने के लिए जा रही थी रसमलाई। ठीक है, तो रसमलाई के लिए हमें क्या करना है, हमें आधा कप शक्कर ले लेनी है, अपने 2-3 चम्मच की जरूरत पड़ेगी बटर की, तो बटर ले लेना है, बटर हो बटर ले लेना है, ऑयल हो तो ऑयल ले लेना है, मगर ऑयल हर एक के घर में अलग अलग आता है, तो ज़्यादा बेहतर है आप बटर का चूज करें। बटर से रसमलाई बहुत बटरी फॉर्म की होती है, उसमें से बटर जैसी खुशबू आती है, जब वो हम उसको कट करते हैं, तोड़ते हैं और खाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, तो ये खुशबू सी डेवलप होती है, तो बटर की बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बनाती रहती हूँ, मैंने सोचा मैं बनाने के लिए इस वक्त जा रही थी, तो सोचा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने ले लिया है इतना, ठीक है, ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े। एक अंडा ले लिया है, चीनी ले लिया, चीनी को ले जाके दूध में डालते हैं, दूध उबल रहा है, आ जाए जी, 1 लीटर दूध लिया है, आ जाए जी। ठीक है जी, 1 लीटर दूध में इतनी हमने आधा कप के बराबर हस्बे ज़रूरत, यानी आपके हस्बे ज़रूरत भी हो तो आप ले सकते हैं, जितनी आप शक्कर डालना चाहें, हमने आधा कप के बराबर डाली है इस हिसाब से। ठीक है, आधा कप के बराबर डालने के बाद इसको चला दें और इसको छोड़ दें। ठीक है, आज बिल्कुल हल्की है, दूध उबलता रहेगा, हल्की हल्की आँच पे, आ जाए आप, चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, आ जाएँ जल्दी से, आ जाएँ चलें। इससे बना रही हूँ मैं, हैप्पी होम की रसमलाई से बना रही हूँ मैं, बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है, इसको खोलेंगे जल्दी से और इसको ऐसी फॉर्म में निकलती है, इसको काटेंगे फिर आपको दिखाती हूँ मैं, जब तक मैं काट रही हूँ इसको काट देंगे, यूं करके निकाल लेंगे जी, ऐसी फॉर्म में निकलती है ये। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने थोड़ा सा बटर डालेंगे। ठीक है, ये मैंने बटर डाला हुआ है, ठीक है, मैं चम्मच लेकर आती हूँ तो उससे ये फेंटती हूँ अंडा। ठीक है, आपको फिर बताती हूँ, ये मैंने इसमें बटर डाल दिया है। ठीक है, अंडे को फेंटने के लिए सिर्फ चम्मच लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत बनाती रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी बनाने के लिए जा रही थी तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ एक रेसिपी, किसी को ज़रूरत होगी, कोई मीठा बनाने का शौकीन है तो वो घर में बना सकता है। ठीक है, अंडे को यूं करके डाल देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हाथ को लेंगे और इसको लगाने शुरू करेंगे, देखेंगे कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया अंडा या कम तो नहीं हो गया, अब भूनना शुरू करेंगे हाथ से। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एक अंडा पूरा ही जाता है। ठीक है, पूरा ही जाता है एक अंडा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से यूं करके गूंथती हूं फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा हो गया, ये गूंथ तो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा लपेटती हूँ। ठीक है, यूं करके, ठीक है, ये देखें यूं करके पूरा ये गुन गया है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बनाती हूँ मैं तो हमेशा वो चीज़ दिखाती हूँ जो अच्छी बनती है और मज़ेदार बनती है। ठीक है, इसको गूंथते हैं अच्छे से फिर आपको दिखाते जाएं। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने गूंथ लिया है बहुत प्यारे से अंदाज में। अब क्या करेंगे आपको मैं बताती हूँ, ये देखें छोटी सी बॉल लेंगे इसको, इतनी सी, ठीक है, ताकि ये फूल के भी बड़ी होती हैं। ठीक है, हिसाब किताब से लीजिएगा, छोटी छोटी बॉलें अपने हिसाब से, चाहे अगर आप गोल पसंद करती हैं इस तरह की, कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग गोल पसंद करते हैं और कुछ लोग इस तरह से पसंद करते हैं। ठीक है, हम इस तरह की शेप में सारी बनाते हैं फिर लौट के आते हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 23 के करीब हमारी बन गई हैं इतनी। ठीक है, अब इसमें दूध क्योंकि उबल रहा था फ़ौरन डालते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ़ौरन फ़ौरन ही आप बनाइएगा, रुकिएगा नहीं बीच में, जल्दी जल्दी बना के बस डालिएगा। ठीक है, ये बहुत प्यारी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, अक्सर और बेशतर मैं लेकर आती हूँ, तो आज बनाने के लिए जा रही थी तो बीच में, तो मैंने सोचा आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ, थोड़ी सी आज बढ़ाएंगे अब। ठीक है, ये देखें जी, ये देखें जी, क्योंकि दूध उस वक्त उबल रहा था हमारा तो हमने इस तरह कर दिया था। ठीक है, अब ये अपने आप का हजम डबल करेंगी अंदर, यानी ये खुद ही डबल हो जाएंगी अंदर। ठीक है, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आप ये डालिएगा और फिर देखिएगा जायका और मज़ा। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा मैंने आज मेवा वेवा कुछ नहीं डाला, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब तेज़ आंच करेंगे, थोड़ी सी उबाल दिलाएंगे, उबाल दिलाएंगे ताकि ये अपने आप को अंडा पड़ा हुआ है ये अपने आप को अंदर एडजस्ट करें, एडजस्ट करें ताकि इनको मज़ा आए, ये फूल जाए, डबल हो जाए खुशी से, ये देखेंगे। ठीक है, ये उबलने लगा दूध, उबलने लगा फिर चूल्हे से खेला। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है आपको चूल्हे से ज़रा मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, अपना समझ के खेलिएगा, क्योंकि लोग अपनी चीज़ से ज़रा अच्छे से खेलते हैं, पराई चीज़ को ज़रा नुकसान पहुँचा देते हैं। चूल्हा आपका अपना है और भी चीज़ें पकानी है इसने। ठीक है, फिर यही गेम खेलेंगे,
ऊंचा करेंगे, ऊंचा करेंगे, इनको उबाल दिलाएंगे ताकि ये एडजस्ट हो अपने आपको, अपना जिसको कहते हैं, जिसको फिगर, अपना फिगर मेंटेन करें अंदर, डबल करें, ठीक है, अपने आपको हजम को अपने डबल करेंगी, एडजस्ट करेंगी अपने आपको, ठीक है, मोटी हो जाएंगी अंदर, प्यारी प्यारी सी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद यूँ फिर आँच हल्की कर दी, ठीक है, दो तीन दफ़ा इसके साथ यूँ करके खेलेंगे और फिर आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है जी। बॉयल दिलाया इनको हमने, अब हमने क्या करना है, तकरीबन दरमियानी आँच कर देनी है, ना कम या ज़्यादा वाली नहीं, बिल्कुल अच्छी वाली आँच ही होती, इस पर छोड़ देना तकरीबन पाँच मिनट। पाँच मिनट में ये अपने आपको, अभी देखिए हजम तो बना लिया इन्होंने अंदर, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अंदर हजम में तो आ गई हैं अपने, लेकिन अब इनको पकने के लिए छोड़ना है, ठीक है। इनके अंदर गलती से भी चम्मच मच्चा लगेगा, बहुत सॉफ्ट होती है, बटरी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी। पाँच मिनट के लिए इनको यहाँ पे छोड़ते हैं, जब तक जाते हैं अपना हम पिस्ता कूटने के लिए। पिस्ता डाल लिएगा इसमें, हो सकता है बादाम अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बादाम वाइट में वाइट होता है तो मिक्स हो जाता है, पिस्ता ही डलता है इस पर और इसकी ब्यूटी को निखार बख्शता है। जैसे गुलाब के ऊपर शबनम डलती है तो वो हसीन हो जाता है और ज़्यादा, ठीक है। तो इसी तरह रसमलाई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पिस्ता डलता है, रसमलाई के ऊपर सिर्फ पिस्ता डलता है, जिसकी वजह से वो बहुत हसीन हो जाती है अपने पर। बहुत अच्छी मिसाल दी है, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आएगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। अच्छा आ जाए जी, इसको पांच मिनट के लिए छोड़ दें, जब तक पिस्ते को कूटने चलते हैं, कूटना तो है, आ जाए। चलें जी, ये हमारी तैयार हो गई है, फ्लेम को ऑफ करेंगे क्योंकि इसको गर्म गर्म हाथ नहीं लगाई गई, पूरा पतीली हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। मजेदार सी हमारी रसमलाई तैयार है, देखिए कुछ इस शक्ल की आई है, मजे की, ठीक है। और ये ठंडी होगी, अपना पूरा हुसन देंगी हमें, और नहायती लजीज और मज़ेदार होती हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैंने जा रही फ्रिज में रखने के लिए, जब ये थोड़ा सा अपने एटमॉस्फेयर पे आ जाएगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा फ्रिज के एटमॉस्फेयर पे अभी नहीं है ये, फ्रिज का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है यानी कि, और गैस का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए हम एकदम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होकर फ्रिज में रखेंगे, फिर इसको नोश करते हैं। बहुत मज़े की होती हैं, आपको शेयर करना इसलिए था कि ये बहुत अच्छी होती हैं। आप भी बनाइएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताइए मैंने। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब मैं निकाल के ये डिनर टेबल पर ले जा रही हूँ, ऐसा लुक आया है मेरी रसमलाई का, बहुत मज़े की है। आधी तो पतीली में ही ख़त्म हो गई थी, आधी ये हैं, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। तो अगर अच्छा लगे तो ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो बताइएगा मुझे ज़रूर। जायका बहुत अच्छा है, जायका बहुत अच्छा है, ठीक है जी। खाने वाले खुद ही बता रहे हैं माशाल्लाह से, ठीक है जी। हम इसको डिनर टेबल पे ले जा रहे हैं, आपको लुक देना था तो मैंने लुक दिया, ये वाला लुक आया। चले जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।